नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा और आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है बड़ा खास होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको तीन ताल बजाना सिखा रहा हूँ और ये ताल का आपने करना क्या है, मैं 5-7 मिनट तक लगातार ये ताल बजाऊंगा और आपने मेरे इस ताल के ठेके के ऊपर रियाज कैसे करना है। आपने वीडियो यूट्यूब पे चला के छोड़ देना है और आपने इस ताल के ऊपर जो राग फिट बैठेगा ना दोस्तों, आपने ये वीडियो चला के छोड़ना और मेरे इस तबले के बीट के ऊपर आपने राग गाना। तो तीन ताल 16 मात्रा की ताल है, 4 विभाग होते हैं। धा दिन दिंदा, धा दिन दिंदा, धा तिन तिंता, ता दिन दिंदा बोल है। तो दोस्तों, तीन ताल कुछ इस प्रकार है। धा, ता और गे मिला के बनता है धा। धिन, ये धिन है, ती को बोलते धिन, कुछ लोग धिन ऐसे भी मारते हैं। फिर धिन, फिर धा, मतलब धा धिन धिन धा, मतलब पहले धा पे ये बोल आएगा, धिन पे ये, फिर तीसरे पे धिन, फिर धा पे ये, मतलब धा पे ये आ जाएगा। फिर धा धिन धिन धा, उसके बाद धा तिन, तिन पे ये क लग जाएगा, तिन तिन ता ता धिन, धिन पे फिर ये गे लगेगा, धिन धिन धा। सो दोस्तों, कुछ ऐसे है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। सो दोस्तों, ये पूरा ताल फ्लो में कुछ ऐसे बजेगा। थोड़ा सा तेज करते हैं, तो दोस्तों तीन ताल है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, कुछ ऐसे है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा। तो दोस्तों, अब मैं तीन ताल आपको 5-7 मिनट कंटिन्यू बजा के दिखाऊंगा और आपने मेरे इस ताल के ऊपर आपने राग की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि राग भैरवी है, ड ग रे ड ग रे चलत छेड़े शाम सखीरी, मैं तुम्हें गारी निपट अनारी, ड ग रे चलत छेड़े शाम। तो मैं ताल बजाऊंगा और आपने मेरे ताल के ऊपर अपना राग गायन करना है, शब्द गायन करना है। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं, 5-7 मिनट लगातार तीन ताल से बने रहेंगे। Thank you.
तो दोस्तों मैंने ये 5-7 मिनट मैंने 3 तार लगातार बजाई है, और आपने मेरे इस वीडियो के साथ अपने राग की तैयारी कर सकते हो, रियाज कर सकते हो, और ये वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। जाते जाते सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चलती चलती शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अगर किसी को मेरी कोशिश पसंद आती है तो उसका बहुत बहुत शुक्राना, और आप मेरी बड़ी सराहना करते हो, और इतना बड़ा फनकार तो नहीं पर जितना आता है उतना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं गलत या मिसिंग हो जाए या कुछ गलत सिखा हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।